हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अगर आप वही बोरिंग रोटी बना बना कर और खा के थक गए हो, तो इस तरह से नई रोटी आप तैयार ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने कई सब्जी डालकर ये सब रोटी तैयार किया है। तो यहाँ हम लेंगे चौराई, पालक, प्याज, कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च, और कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ता, और लहसुन, गार्लिक, कच्चा बनाना मतलब अनरिप बनाना, टमाटर और चुकंदर। हम इससे रोटियां बनाएंगे। जनरली हम लोग साग खाना पसंद नहीं करते, तो इस तरह से आप रोटी बनाइए तो सारे विटामिन्स और मिनरल भी आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ हम पालक को रफली चॉप करेंगे और इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक में खुद वाटरी होता है, ये पालक तो उससे ही पीस गया है। तो यहाँ हम 50 ग्राम मल्टीग्रेन आटा लेंगे और यहाँ पर हम पालक का जो पेस्ट हमने बना रखा है वो ऐड करेंगे। यहाँ पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, हम उसी से इसको गूँथ लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से हम इसे गूँथ लेंगे फटाफट। तो यहाँ हमने ऐसे अच्छे से गूँथ लिया है, तो इसकी जो लोइया बन के रेडी हो गई है, इसे हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ बीट रूट लेंगे, इसे भी हम रफली चॉप करके ग्राइंड कर लेंगे। इसमें भी मैंने पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि ये खुद वाटरी होता है। तो यहाँ 50 ग्राम अगेन हम आटा लेंगे और इसमें अभी हम वो सारे पेस्ट डाल देंगे। यहाँ एक बूंद पानी ऐड नहीं करेंगे, इसी से ही ये पूरा आटा गुथा जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ आटा को बहुत अच्छे से गूँथ लिया है और इसका हम पेड़ा बनाकर साइड कर लेंगे। तो यहाँ हम टमाटर भी लेंगे और इसे भी हम अच्छे से रफली चॉप करके और अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए ये अपने पानी में ही बहुत अच्छे से पिस गया है, तो अब इससे इसको भी हम अच्छे से इसको हम गूँथ लेंगे और गूँथ कर इसका पेड़ा हम साइड कर लेंगे। तो यहाँ हम अनियन ले रहे हैं, इसे हम बिल्कुल ग्राइंड नहीं करेंगे, इसे चॉप करके क्रश करेंगे ताकि हमारी रोटी फूले और फटे ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्रश कर रहे हैं और बहुत अच्छे से क्रश कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा मसालेदार बनाएंगे, बहुत चटपटा लगता है ये। तो यहाँ मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आपके घर में जो भी मसाला है वो ऐड कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा, दो पिंच, दो चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पे ऐड किया है मसाला, और पानी से हम सान लेंगे। तो ये PCOD के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, डिफरेंट रोटी भी खाने को मिलेगी और उन्हें सारा पोषण भी मिलता रहेगा। तो यहाँ मैं बिल्कुल ऑयल ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑयल हम कहीं ना कहीं करता है, तो यहाँ ऑयल नहीं ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कच्चा बनाना ले रही हूँ और इसे अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने का मकसद यही है कि हमारी रोटी फूले फटे ना, तो इसलिए हम यहाँ पर आटा डाल के अगेन इसे गूँथ लेंगे और इसे साइड कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारी जो यहाँ अमरनाथ स्पिनेच है यानी चौराई है, इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे और इसे हम चॉप करेंगे। इसका पराठा बहुत टेस्टी होता है और जनरली इसका साग अच्छा लगता नहीं है बहुत लोगों को, तो इस तरह से रोटी और पराठा ट्राई कीजिए। तो इस तरह से ये साग आपके स्टमक में भी चला जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये विटामिन सी से रिच होता है और गर्मी के लिए तो बहुत अच्छा होता है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम यहाँ कैप्सिकम लेंगे, इसे हम रफली चॉप कर लेंगे और देखिए अब यहाँ हम फिर आटा डालकर इसे भी गूँथ लेंगे। कोई ऑयल, कोई नमक और सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया है, इसे मैं ऐसे ही गूँथ ले रही हूँ क्योंकि रोटी बना रहे हैं और सिंपल ही अच्छी लगती है रोटी। ये बहुत टेस्टी होता है वैसे तो, बिना आप सब्जी के भी इसे खा सकते हो, बस दही थोड़ी मिल जाए और इसे आप अच्छे से आराम से खा सकते हो। तो इसे भी हम गूँथ के साइड कर लेंगे। अब यहाँ हम आटा पहले से गूँथ के रख लिए थे, तो अब हम आटा यहाँ पे पहले से गूँथ के रख लिए थे। तो यहाँ हम कोरिएंडर और गार्लिक लेंगे और इसे हम बारीक थोड़ा चॉप कर लेंगे और अच्छे से हम कट कर लेंगे इसको हम। तो देखिए हमने यहाँ कट कर लिया है। अब हम कोरिएंडर लीफ को भी फटाफट कट कर लेंगे यहाँ पर। अब हम जो पहले से हमने जो गूँथा हुआ आटा लिया था उसे हम इसे अच्छे से इसमें दबा कर इसमें चिपका देंगे। इसे भी हम ऐसे दबा कर इसे पूरे अच्छे से इसमें हम स्टक कर लेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ ग्रीन चिली को कट करेंगे, ये मेरा फेवरेट है। इसमें कलौंजी मैंने ऐड किया है
और इस तरह से हमने पेड़े जो बनाए थे उसे भी इसे स्टक कर लेंगे। तो स्टक करने के बाद साइड कर लेंगे। ये मेरा बहुत फेवरेट है, इसे आप ट्राई करो, बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे ही खाने का मन कर जाएगा इसे। तो इस तरह से देखिए मेरे 10 तरह की रोटियों के लिए लोइया बनाकर यानी पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हमने। अब यहाँ हम बेलेंगे इसे। जैसे मैं बेल रही हूँ, अगर आप वैसे ही बेलो और सेको तो आपकी रोटी पक्का फूलेगी, सारी की सारी रोटी फूलेगी, मगर गार्लिक का नहीं फूलेगा, क्योंकि गार्लिक की जो रोटी होती है वो मैंने चॉप किया था, वो खाने में इतना टेस्टी होता है, तंदूरी रोटी का याद दिलाता है। तो इस तरह से मैंने टमाटर, स्पिनिच और चौराई, प्याज, लहसुन, शिमला मिर्च, हरी मिर्च तो और धनिया पत्ता, बहुत सारे जो जितनी भी मैंने सब्जियां ले रखी हैं सबकी रोटी बेल के एक साइड कर ले रही हूँ। और देखिए अब मैं तावा लेकर अब बीट रूट की जो रोटी है उसे मैं पका रही हूँ। तो इसको पहले हल्का सेलो लाइट में पकाना है इसको, और अब जैसे पलट उलट लेंगे। और देखिए इस तरह से अगर आप पकाइएगा तो रोटी का कुछ ट्रिक होता है, इसे अगर हल्के हल्के आप ऐसे पकाइएगा तो पक्का है कि आपकी रोटी फूलेगी ही फूलेगी, 100% फूलेगी। तो देखिए मेरी रोटी कैसे फूल रही है, ये रोटी तो देखने में वैसे अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन खाने के लिए बहुत अच्छी होती है और सेहत के लिए तो बहुत अच्छी है। अगर आपके हस्बैंड सुबह अगर जाते हैं उसे टिफ़िन में अगर इस तरीके की रोटी आप दोगे डिफरेंट डिफरेंट, तो उन्हें प्रोटीन भी मिलेगी और उन्हें अच्छा भी लगेगा और खाने में भी तो टेस्ट इसमें अच्छा ही होता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो इस तरह से हम फटाफट सारी रोटियां बेल और सेक लेंगे। तो देखिए मेरी रोटी कितनी अच्छी यहाँ फूल रही है, सारी रोटी यहाँ फूलेगी, बस गार्लिक का नहीं फूलेगा क्योंकि वो चॉप हमने किया था और वो रोटी तो बहुत टेस्टी लगती ही है। तो इस तरह से हम सारी रोटियों को यहाँ हमने बनाना की जो रोटी है वो यहाँ बना रहे हैं, ये भी अच्छे से फूल गई है। तो सारी रोटियाँ लगभग मेरी फूल रही हैं। ये मैंने यहाँ चौराई की जो रोटी थी भूसे में पका रही हूँ। तो दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे इसको। तो बहुत अच्छे से हमने यहाँ इसको सेक लिया है दोनों साइड। तो इसे भी हम पका लेंगे। अभी यहाँ हमने कैप्सिकम की रोटी है वो उसे अच्छे से पका लेंगे। अभी ये प्याज वाली रोटी है तो प्याज वाली रोटी को भी अच्छे से पका लेंगे हम। ये मेरी फेवरेट रोटी है ग्रीन चिली की, तो इसे भी अच्छे से हम पका लेंगे। और कोरिएंडर की जो रोटी थी, कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ता की जो मैंने रोटी बनाई थी, अब इस तरह से मेरी सारी रोटियाँ रेडी हो गई। इसमें हम हल्का हल्का घी अप्लाई करेंगे। और इस तरह से देखिए गाइस मेरी 10 रोटियां बनके रेडी है। इसे खाइए हर तरह से और 10 दिन के लिए 10 डिफरेंट रोटियां ज़रूर ट्राई कीजिए आप, बहुत अच्छा होता है। तो